तो सुबह के 7 बज रहे हैं और हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में अजय जी, ज्योति, आयुष जी हैं और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग में एक एरिया, एक रेंज, एक सेल की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई रिपोर्ट को ऑटोमेट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हमें एक एरिया को फॉर्मेट करने की बात तो होगी ही होगी। इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि रेंज को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं हम, रेंज को कॉपी पेस्ट और रेंज के ऊपर डेटा सेंडिंग मेथड के एक सीट से दूसरे सीट पे कैसे डाले, और कंडीशंस इन दो पे डिस्कस किया था। अब डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम यूज करेंगे अपने अलाइनमेंट, इसको फॉन्ट अलाइनमेंट एंड फॉर्मेटिंग को। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, हालांकि इसके लिए आप लोग रिकॉर्डिंग मैक्रो करके भी देख सकते थे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आप लोग आगे भी देख सके। ठीक है, एक छोटा सा डेटा ले लेता हूं। और इंसर्ट मॉड्यूल्स, यहां पे सब्जेक्ट दे देता हूं, सॉरी सब होना चाहिए था, पहली बार सुबह सुबह गलती हो रही है। उसके बाद यहां पे ये हो गया सब्जेक्ट आ रहा। अब बात करते हैं कि जिस एरिया को आपको फॉर्मेट कर रहा है उसकी सिलेक्शन। अब सिलेक्शन कैसे करोगे, वो आपके डेटा सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन मेथड को चूज कर सकते हो, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताई थी। तो मैं यहां पे A1 से मैनुअल सिलेक्शन कर लेता हूं E11। E11, अब सबसे पहले बात करते हैं हम फॉन्ट की, कि हम फॉन्ट कैसे रखेंगे। तो यहां पे इसकी फॉन्ट अप्लाई करना है, तो फॉन्ट फॉन्ट के कई पार्ट है, जैसे कि फॉन्ट कौन सा करना है, तो नेम इक्वल टू हमने यहां पे दे दिया एरिया। अब मुझे फॉन्ट की साइज चाहिए, तो कॉपी करके इसको पेस्ट करता हूं और यहाँ पे नेम की जगह पे हम लिखते हैं साइज और यहाँ पे साइज देते हैं। अब दिक्कत यहाँ पे है, एक नई चीज आप यहाँ पे सीखिए। अभी क्या है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट पे कई सारे मेंबर अप्लाई करने हैं, मतलब रेंज के फॉन्ट, रेंज ऑब्जेक्ट हुआ, उसके मेंबर फॉन्ट, फॉन्ट मेंबर के सब मेंबर में बहुत सारे सब मेंबर अप्लाई करने हैं। तो मुझे बार बार ये लाइन लिखना पड़ेगा कि रेंज A1 से E11 डॉट फॉन्ट, और इसका डॉट साइज, डॉट कलर, डॉट बोल्ड, डॉट इटैलिक, बहुत सारी चीज लिखने पड़ेंगे। तो उनसे बचने के लिए उपाय है कि आप जो है यहाँ विथ कमांड इस्तेमाल करें कि विथ, और मैंने यहां से फॉन्ट को तोड़ दिया। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ डॉट लगा के मेंबर अप्लाई करना है, तो डॉट साइज हो गया, यहाँ पे डॉट नेम, डॉट साइज, डॉट कलर। अब कलर में दो चीजें हैं, एक तो मैं यहाँ पे कलर में वीवी रेड, ग्रीन, ब्लू, श्याम, मैजेंटा डाल दू, ठीक है, या एक है आपके पास RGB, RGB में रेड, ग्रीन एंड ब्लू का नंबर डालना पड़ेगा। अब ये नंबर आएगा कहां से, कैसे पता चलेगा कौन सा कलर का कौन सा नंबर है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक मिनट क्या खुल गया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप एक्सेल पे जाएं और यहां अप्लाई एप्लीकेशन है मोन कलर्स कस्टम, और यहां पे आप RGB कलर को ले सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऐसे RGB कलर है, इसको चॉइस कर सकते हो। उसके बाद यहां पे लिखते हैं डॉट कलर के बाद डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, डॉट इटैलिक इक्वल टू ट्रू, डॉट अंडरलाइन इक्वल टू ट्रू,
या नहीं करना है तो फॉल्स, और नहीं करना है तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और जब आपका खत्म हो जाए सारा ऑब्जेक्ट तो लास्ट में आप कर देंगे एंड विथ, एंड विथ, ठीक है सर, समझ में आ गया आपको। तो ये एरिया को फॉन्ट अप्लाई करने का मेथड था। फॉन्ट के बाद हम बात करते हैं बॉर्डर की, कि हम बॉर्डर कैसे अप्लाई करें। जैसे हम लोग यहां ऑल बॉर्डर करते हैं, तो ऑल बॉर्डर के लिए हम लोग जस्ट कोड लिखेंगे कि रेंज A1 से लेके E11 डॉट बॉर्डर्स, सर बॉर्डर राउंड नहीं, डॉट बॉर्डर्स। बॉर्डर्स में देना होगा लाइन स्टाइल, और इक्वल टू हमें लिखते हैं एक्सेल कंटिन्यूअस, एक्सेल डैश डॉट, लेकिन हम यहां इसके नंबर से भी दे देते हैं कि यहां पे लाइन स्टाइल इक्वल टू 1, एक्सेल कंटिन्यूअस आता है। लेकिन मुझे और बॉर्डर अप्लाई करने से, कि हम लोग यहां पे चले जाते हैं, बॉर्डर पे चले जाते हैं, अब बॉर्डर पर जाने के बाद ये होता है ना कि मैं राइट से करूं, लेफ्ट से करूं, बॉटम से करूं, साइड से करूं, अपने हिसाब से यहां से अप्लाई करना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए इसके लिए सही रहेगा कि मैं एक बार मैक्रो को रिकॉर्ड करूं, उसके बाद मैं बताऊं आपको कि कैसे अप्लाई होता है बॉर्डर का पार्ट, बॉर्डर ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको, सारा बोर्ड अप्लाई कर लिया। अब इसकी कोड क्या जनरेट हुई है इसको देखिए। सबसे पहले तो इसने बिथ कमांड लगाया, आपने देखा बिथ कमांड कैसे होता है। सिलेक्शन रेंज की जगह पे सिलेक्शन ले लिया है, हालांकि रेंज ले सकता था लेकिन इसकी जगह पे इसने सिलेक्शन ले लिया है। तो सिलेक्शन डॉट बॉर्डर्स, अब यहां पे एक आता है एक्सेल डायलॉग डाउन, एक्सेल डायलॉग अप, एक्सेल एग लेफ्ट टॉप बॉटम, मतलब कि ये जो हम फॉन्ट अप्लाई बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो हर बॉर्डर का अपना अपना एक नाम, ठीक है। और यहां से बॉर्डर के स्टाइल है, एक्सेल कंटिन्यूअस मतलब कि लाइन कंटिन्यूअस है, तो एक्सेल कंटिन्यूअस कैसे होगा, यहां देखिए लाइन स्टाइल एक्सेल कंटिन्यूअस, और यहां पे इसकी सेड कितना मोटा कितना पतला है, और यहां पे आपका इसका विड्थ थीन मतलब कि पतला है मोटा बॉर्डर चाहिए, एक्सेल थीक आएगा, थीन के जगह पे थीक आएगा। तो अगर आपको कंटिन्यूअस चाहिए तो ब्रैकेट में उसका पोजीशन डालने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने यहां डाला हुआ है डायरेक्ट, लेकिन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे चाहिए आपको तो फिर आपको ब्रैकेट में उसका पोजीशन डालना पड़ेगा। समझ गए अजय जी, अभिषेक जी, राजेश जी, हाउ कैन अप्लाई द बॉर्डर, बॉर्डर्स कैसे अप्लाई करेंगे। हाँ सर, अब बॉर्डर अप्लाई करने के बाद आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक अलाइनमेंट का है, ठीक है। हाँ, कलर, कलर अप्लाई, बैकग्राउंड कलर अगर अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करोगे उसकी भी लाइन देख लीजिए। उसके लिए इंटीरियर होता है कि रेंज A1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू, एक कलर इंडेक्स भी होता है जो कि 1 से लेके 55 तक का उसका कलर, एक कलर बना हुआ है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ कलर हम कर दे रहे हैं। कलर इक्वल टू VV रेड ग्रीन ब्लू कर दीजिए या फिर RGB मेथड कर दीजिए, तो ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई होता है। ऊपर जो था ये फोरग्राउंड कलर था, फॉन्ट कलर था, ये हमारा बैकग्राउंड कलर है।
अब बात करते हैं अलाइनमेंट्स की। तो अलाइनमेंट्स जैसे कि हमने कुछ लिखा, तो अलाइनमेंट्स में कई पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है कि ये आपका वर्टिकल अलाइनमेंट, के टॉप करना है, मिडल करना है, बॉटम करना है, ये आपका लेफ्ट राइट मिड करना है, रोटेट करना है, इंडेन करना है, रैप करना है, मर्ज करना है। तो इसके लिए भी हमने अगर रिकॉर्ड किया इसमें, देखिए इसके क्या माइक्रो बन गया है, सॉरी रिकॉर्ड कर लेता हूं, एक भी अप्लाई कर देंगे तो अपने आप आ जाएगा, सर आ जाता है। देखिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एक्सेल जर्नल है, या फिर सेंटर है, या टॉप है, या बॉटम है। वर्टिकल अलाइनमेंट के दो अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ध्यान रखिएगा। तो वर्टिकल अलाइनमेंट क्या, रैप टेक्स, जो रैप टेक्स होता है, रैप टेक्स करना है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है, लिखो ही नहीं। ओरिएंटेशन मतलब इसको कितना डिग्री के एंगल पे रोटेट करना है, दिस इज द ओरिएंटेशन, रखना है जीरो मतलब नहीं है। एट इंडेन जैसे कि हम लोग अपने हिसाब से इसको टेक्स्ट को अपने हिसाब से मर्ज करते हैं, तो इंडेन करना है, आगे करना है, पीछे करना है, तो उसका लेवल यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। आगे करना है तो प्लस में, और पीछे करना है तो माइनस में। थ्रिंग टू फिट कि आपका जितना बड़ा लेटर है उसी में हमारे फिट हो जाएगा, या फिर कुछ और करना पड़ेगा उसके लिए। मर्ज सेल, सेल को मर्ज करना या नहीं करना, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये आपका अलाइनमेंट का था। तो अलाइनमेंट समझ में आ गया राजेश जी, अजय जी? हाँ सर, हो गया सर। ओके हाँ ठीक। अलाइनमेंट के बाद नेक्स्ट आता है नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग सिंपल है, जैसे कि मुझे इसमें डेट लगाना है, डॉलर लगाना है, डेसिमल लगाना है, और मुझे इसमें टाइम का लगाना है, वो सब चीजें नंबर फॉर्मेटिंग की आती है। तो नंबर फॉर्मेटिंग में यहां लिखते हैं कि रेंज जो भी सिलेक्शन है डॉट इक्वल टू डॉट नंबर फॉर्मेट इक्वल टू, जैसे मुझे अगर डेट देना है कि डीडी स्लैश एमएम स्लैश वाईवाई, या मुझे परसेंटेज लगाना है तो यहां पे लिखेंगे 0.0%। मुझे टाइम लगाना है तो उसी हिसाब से हम देंगे, जो कि कस्टम फॉर्मेटिंग हम लेते हैं यहां पे। तो कस्टम फॉर्मेटिंग में सारे कोड्स होते हैं ना, एक कोड डालने पड़ते हैं हमें वीवीए नंबर फॉर्मेटिंग में, समझ गए सर? तो नंबर फॉर्मेटिंग इस तरह से इस्तेमाल होता है। अब नंबर फॉर्मेटिंग के बाद हम अगली तरफ बढ़े तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, और नेक्स्ट टॉपिक आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कोई खास चीजें नहीं है, अगर हम इसको रिकॉर्ड करें तो आपको पता चलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। तो जैसे मैंने मान लीजिए कि मैंने लगा दिया ग्रेटर देन 25 मान लीजिए, और हमने कलर डिफॉल्ट है या कोई और कलर हमने यहां से ले लिया, तो इसकी कोडिंग जो बनेगी उसको देखिए क्या कोड बनेगा। तो इसका हुआ कि सिलेक्शन डॉट फॉर्मेट कंडीशन, फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट कंडीशन डॉट एड टाइप एक्सेल सेल वैल्यू। अब एक्सेल सेल वैल्यू क्यों हुआ, क्योंकि जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं न्यूरूस में, तो जैसे कि मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखना टाइप में क्या है, सेल वैल्यू है, टेक्स्ट है, डेट ऑकरिंग है, ब्लैंक है, बहुत सारे टाइप्स है, तो उसी हिसाब से टाइप को सेट करता है, और उसी हिसाब से यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, एक्सेल ग्रेटर, और फॉर्मूला क्या है 20। यहाँ पे अगर मैं ऑपरेटर कुछ भी डाल दू, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस डाल दू, तो आपका यूज हो जाएगा। अब आता है सिलेक्शन दैट कंडीशन फॉर्मेट कंडीशन काउंट सेट प्रॉपर्टीज। तो ये देने की जरूरत नहीं है, ये क्यों दे रहा है कि बेसिकली क्या है कि बहुत सारे कंडीशन फॉर्मेटिंग जब अप्लाई करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा इसको कि कौन सा अप्लाई करना है, तो इसे सेट प्रॉपर्टी करना, लेकिन इसको डालने की जरूरत नहीं है। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग वन मतलब कि पहली कंडीशन फॉर्मेटिंग, अब मान लो पांच आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाया हुआ है, तो यहाँ पे सेम इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 आएगा, उसका कलर और उसका तीन सेट, इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई है, उसका इंटीरियर। तो यहाँ ये जो है अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग अप्लाई करो,
ए दोनों लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिकॉर्डिंग अपने आप लिख देता है। तो क्या करना होता है, यहां पे बस कंडीशन अप्लाई करना है और यहां पे उसकी फॉर्मेटिंग देनी है। फॉर्मेटिंग आप जैसे मेरे ऊपर सिखाया उस तरह से आप दे दीजिए, ये तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग में आया है, आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कि मैं यहां पर दे देता हूं इसका आइकन, मान लीजिए कि मैंने लगा दिया डेटा बार। तो डेटा बार के लिए देखिए क्या कंडीशन बना है यहां पर, यहां पर सिलेक्शन डॉट फॉर्मेट कंडीशन, पहली कंडीशन में उसका बार बार फिल टाइप ए आया, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका कलर टाइप क्या है, उसका बार का बॉर्डर क्या है और बार का कलर टाइप क्या है, डिसाइड हो। तो एक मतलब कि इसके लिए तो याद करने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग मैन को लीजिए, उसमें अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिए। समझ गए राजेश जी, सौरभ जी, उदय जी? तो इसी तरह से फॉन्ट में, अलाइनमेंट में, नंबर में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप अगर रिकॉर्ड करके भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करें, इसके माध्यम से मुझे एक अटेंडेंस का फॉर्मेट बना के दीजिए। आपका होमवर्क क्या है कि आपने आज जो सीखा है फॉर्मेटिंग, उसकी रेफरेंस में लेके आप मुझे एक फॉर्मेटिंग बना के दे। तो दोस्तों देखा किस तरीके से मैंने अभी सुबह के 7 बजे मैंने ऑनलाइन क्लासेस दी है अपने स्टूडेंट्स की, जिसमें तकरीबन 6 बच्चे थे जो कि 2 आउट ऑफ इंडिया से थे और 2 हमारे इंडिया से थे। तो ये क्लासेस हमारे लाइव इंटरेक्टिव 1-to-1 होती है, जो कि आप अपने घर बैठे ले सकते हैं लाइव मेरे साथ डायरेक्टली। ये क्लासेस Monday to Friday 1-1 घंटा होता है और ये अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक स्टार्ट होता है। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो लाइव क्लासेस तो आप हमारे डेमो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाए एंड डेमो क्लासेस का फॉर्म भर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोज को शेयर करने की कोशिश करें। Thanks for watching this video. Have a nice day.